नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सारस्वत, मैं कुरे हिरोशिमा सिटी से। आज है 12 तारीख 12 मार्च दिन सैटरडे का। आज हम लोग जा रहे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन मील के लिए, तो आपको ले जाके दिखाएंगे वहाँ पे साउथ इंडियन फूड कैसा है। तो और ये रेस्टोरेंट का नाम है सूर्या रेस्टोरेंट, और जो कि निशी वार्ड में है हिरोशिमा के। तो मैं आपको ज्वाइन करूँगा अब रेस्टोरेंट पहुँच के। फ्रेंड्स वेलकम बैक, मैं सूर्य रेस्टोरेंट में आ चुके हैं हम लोग। हमने डोसा ऑर्डर कर दिया है और डोसा आने भी लग गया है। एक डोसा आ गया, बाकी दो अभी आना बाकी है। यहाँ पे मेन्यू जो है वो नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन दोनों। तो मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ उसका। अगर हम मेन्यू देखें तो ये सब स्टार्टर्स हैं, और जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ लच्छा पराठा भी है। यहाँ वेज करी में बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास, आप आराम से खा सकते हैं। पनीर के भी काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं, मसाला है, राइस, बाकी तो फिर नॉन वेज है। और लंच सेट जो जापान में मिलते हैं, और ये रहा डोसा का मेन्यू। इसमें डोसा और प्लस ड्रिंक मिलती है, हमने भी अपने लिए सेम चीज़ ही मंगाई हुई है। हिरोशिमा में करीबन तीन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं जो साउथ इंडियन फूड देते हैं। एक तो ये सूर्या जिसमें हम आए, एक केरला रेस्टोरेंट है वो है, एक ईओन मॉल है उसके पास है कहीं, और एक और है वो साउथ इंडियन मील देते हैं, वो हुंदुरी में कहीं है। एक वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, कभी जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा वहाँ का। अभी जैसे ही मेरा डोसा आता है मैं आपको दिखाता हूँ कैसा डोसा बनाया। तो डोसा मेरा आ चुका है, ये मेरा मसाला डोसा है, और साथ में मिला है हमको सांभर, और ये चटनी है नारियल की। ये मसाला डोसा है, काफ़ी क्रिस्प बनाया है, थोड़ा ऑयल हाथ में ज़रूर आ रहा है लेकिन काफ़ी क्रिस्प है। तो अब हम इसको खाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कैसा ये टेस्ट बना। तो फ्रेंड्स डोसा हमने खा लिया है, डोसा का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, क्रिस्पी था, और सांभर भी अच्छा था, सांभर चटनी भी काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय करा इनॉल में। और हम लोगों ने यहाँ पे कभी नॉर्थ इंडियन नहीं टेस्ट किया आज तक, बट कभी करेंगे हम लोग, हमेशा आके यहाँ डोसा खा लेते हैं। अभी मैं निकलने से पहले आपको थोड़ा रेस्टोरेंट भी दिखाऊंगा कैसा है। छोटा रेस्टोरेंट है, बड़ा नहीं है। अंदर का वीडियो तो बना नहीं पाए, ये बाहर से रेस्टोरेंट ऐसा दिखता है। अंदर का वीडियो नहीं बना पाए रेस्टोरेंट का, क्योंकि लोग बैठे हुए थे कुछ, तो मेरे को नहीं लगा ठीक कि कैमरा वहाँ घुमाना चाहिए। बाहर का व्यू मैंने आपको दिखाई दिया है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, थोड़ा अपना कुछ काम है हिरोशिमा सिटी में, और वो ख़त्म करेंगे, और जैसे जैसे दिन गुजरेगा आपको बताते रहेंगे क्या करा क्या हुआ। तो फ्रेंड्स कल वहाँ से सूर्य से निकलने के बाद हम लोग अपना कुछ काम करने एक स्टोर में चले गए थे, जिसको कि मैंने फिर कवर नहीं करा था। स्टोर हर जगह कॉमन ही है। उसके बाद फिर घर आ गए थे हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं था कोई बहुत ज़्यादा कुछ हमने करा नहीं पूरे दिन में। कल शाम को लेकिन हम डोमिनोज पिज़्ज़ा गए थे, तो जैसे कि आप सबको पता है आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं पिज़्ज़ा, तो ये एक वेजिटेरियन लोगों के लिए और एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से पिज़्ज़ा को कस्टमाइज़ करा सकते हो, और आप उसको आराम से इंजॉय भी कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिरोशिमा में तकरीबन मुझे जितना पता है तीन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो उसमें से दो की डिटेल्स तो मुझे पता हैं, जो कि हिरोशिमा शहर में एक जिसमें हम कल गए थे सूर्या में, और एक और है जो साउथ इंडियन थाली टाइप की मील देते हैं। वो उनकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चाहें तो उसको इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपका कोई और फर्दर अगर क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दूंगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।